इतने व्यस्त समय में भी प्रधानमंत्री जी का यहां करके बैठना, हम सबसे बात करना, यह आप लोगों के प्रति उनका कितना प्यार है उसका यह उदाहरण है। साथियों, मैं आपसे जो बता रहा था कि हम जो भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं उससे दुनिया लाभान्वित होती है, लेकिन दुनिया की भलाई के देखते हुए भारत ने वर्ष 2070 तक, जैसा मैंने कहा, हमने दुनिया में इस प्लेनेट को, इस पृथ्वी को बर्बाद करने में हिंदुस्तानियों का कोई रोल नहीं है, हिंदुस्तान का कोई रोल नहीं है। उसके बावजूद भी भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो का संकल्प लिया है। भारत दुनिया के उन चंद देशों में है जो इस दिशा में किए गए अपने कमिटमेंट को समय से पहले पूरा कर रहा है। नॉन फॉसिल सोर्सेज से 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का जो लक्ष्य हमने रखा था, और लक्ष्य में हमारा डेडलाइन था 2030, अभी तो 2030 काफी दूर है, लेकिन उस काम को हमने 9 साल पहले ही पूरा कर लिया जी। भारत में आज हम बहुत सस्ती सोलर एनर्जी पैदा कर रहे हैं, उसकी पर यूनिट कीमत सिर्फ 2.5 रुपये है, यानी 3 यूरो सेंट से कम भी कम, 1 यूनिट बिजली 3 यूरो सेंट से भी कम। और हमारी कोशिश है कि उसको हम 2.5 रुपये से और नीचे ला करके 2 रुपये तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथियों, हमें यह भी मानना होगा कि वैश्विक क्लाइमेट एक्शन अभी तो कहीं सफल होता नजर नहीं आ रहा है। दुनिया जहां थी वहीं ठहरी हुई है, इक्के दुक्के अपवाद कुछ कर पाते होंगे, लेकिन हम कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, इसका कारण यह है कि हम क्लाइमेट एक्शन को सरकारों की, मल्टीलेटरल संस्थाओं की जिम्मेदारी के रूप में देखते रहे हैं। जब तक सोसाइटी इससे जुड़ा महसूस नहीं करेगी, मोदी मोदी करने से नहीं होता है, ये इसलिए हो रहा है कि हर हिंदुस्तानी वचनबद्ध होकर के, संकल्पबद्ध होकर के खुद से जो हो सकता है करता है। और जब हर व्यक्ति इसे खुद का दायित्व मानता है तो लक्ष्य से हम कभी दूर नहीं रहते दोस्तों, और आज हिंदुस्तान इसलिए कर पा रहा है। इस समस्या के समाधान में विश्व के अनेक विचार चल रहे हैं, अनेक योजनाएं चल रही हैं, अनेक एनजीओ भी अपनी दुनिया चला रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। लेकिन हाँ, भारत ने एक नया विचार रखा है, आग्रह किया है। और मैंने ग्लासगो जब आया था तो मैंने एक शब्द में उस बात को वर्णित किया था, और मैंने कहा था हमें लाइफ पर फोकस करना है, लाइफ, LIFE। और जब मैं लाइफ बोलता हूं
तो मेरा कहने का तात्पर्य होता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को प्रमोट करने का आज समय की सबसे बड़ी मांग है। कंजम्पशन ओरिएंटेड अप्रोच, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यूज एंड थ्रो वाला माइंडसेट प्लेनेट के लिए नकारात्मक है। हम कितना यूज करते हैं यह पॉकेट की साइज से नहीं बल्कि जरूरत से तय हो। हम जरूरत से ज्यादा जो भी यूज कर रहे हैं उससे दुनिया में कोई न कोई वंचित हो रहा है, उससे दुनिया के किसी कोने में नेचर को एक्सप्लॉइट करने का दबाव बढ़ रहा है। इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अपनी फैमिलीज में जागृत करते रहना होगा और हर भारतीय को दुनिया में जहां जाए वहां इन हमारे संस्कारों को प्रकट करते ही रहना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।